यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, स्टार्ट ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। उसके बाद देखिए बेटा स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऑल जर्म फीमेल इक्विवेलेंट टू फ्रूट्स ईडिपस कॉम्प्लेक्स द थ्योरी दैट ड्यूरिंग द फ्रूट्स फैलिक स्टेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट गर्ल्स डेवलप अ सेक्सुअल अटैचमेंट टू देयर फादर और फादर फिगर लीडिंग देम टू वांट टू किल मदर एंड मैरी देयर फादर। The name derives from the Greek myth of Electra, who wanted to avenge her father's death by killing her mother. अब ये जो नेम है ना इलेक्ट्रा, ये एक्चुअली एक ग्रीक मिथ से लिया गया है, who wanted to avenge her father's death by killing her mother, जो कि चाहती थी कि वो अपने फादर की डेथ का बदला ले by killing her mother, अपनी माँ को कत्ल करके, who was responsible for the murder. जो कि उसकी माँ जो है एक्चुअली वो ये समझती है कि उसका बाप जो है इस मर्डर का जो है सॉरी उसके बाप के मर्डर का जो की रेस्पॉन्सिबल है वो उसकी माँ है। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ईडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द सबकॉन्शियस अर्ज दैट यंग मेल्स हैव टू पेनेट्रेट बोथ देयर पेरेंट्स वन विद अ सॉर्ड एंड अदर विद अन पेनिस। सेगमेंट फ्रूट हैड सम फक्ड अप आइडियाज, सेगमेंट फ्रूट्स के कुछ अजीब से ही आइडियाज थे। सेगमेंट फ्रूट जस्ट मेड द ईडिपस कॉम्प्लेक्स टू जस्टिफाई हिज ओन सिक डिजायर टू हिज मॉम एंड ऑफ हिज डैड, और वो उसकी अपनी सिक डिजायर थी कि वो अपनी माँ के बाप के बहुत करीब हो जाए और अपने बाप से दूर हो जाए या अपनी माँ को उसके बाप से दूर कर दे। कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन है। सबसे पहले लेविनिया मैनन, द मैनन डॉटर लेविनिया इज अ वुडन स्टिफ शोल्डर डॉटर फ्लैट चेस्टेड थिन एंगुलर एंड ड्रेस्ड इन अ सिंपल ब्लैक। शी शेयर्स हर मदर क्रिस्टाइन्स लस्ट्रस कॉपर हेयर एंड मास्क लाइक फेस। दिस वेयर लेविनिया कंसीडर्ड हरसेल्फ रॉब्ड ऑफ लव एट हर मदर्स हैंड। और ये जो स्वेयर लेविनिया थी जो कि अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसको ये लगता था कि उसकी माँ ने ना उसके बाप को उससे शायद छीन लिया। दिस शी स्कीम्स टू लाइक टेक क्रिस्टाइन्स प्लेस एंड बिकम द वाइफ ऑफ हर फादर एंड मदर ऑफ हर ब्रदर। और इस वजह से वो क्रिस्टाइन की प्लेस लेना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो द वाइफ ऑफ हर फादर, वो अपने बाप की वाइफ बन जाए एंड मदर ऑफ हर ब्रदर। She ultimately does so upon her mother's death. और ये जो है वो ultimately वो अपनी माँ की death पे करती है, reincarnating her in her own flesh. Next slide पे चलते हैं। Christine Manon, a striking woman of 40 with a fine voluptuous figure, उसकी माँ Lavinia की, flowing animal grace, खूबसूरत बहुत थी, attractive थी, and a mass of beautiful copper hair. और उसके मैस ऑफ ब्यूटीफुल यानी कि बहुत घने कॉपर हेयर्स थे उसके। She wears green, which symbolizes her envy. और वो हमेशा ग्रीन कलर पहनती थी। अब हम पढ़ते हैं ना ग्रीन मॉन्स्टर, इवल आईज ऑफ ग्रीन मॉन्स्टर, तो वो क्या होता है, वो एनवाय को सिंबलाइज कर रहा होता है, हसद को। हर पेल फेस इज ऑल्सो लाइक ऑल्सो अ लाइफ लाइक मास्क, और उसका जो पेल फेस होता है वो एक लाइफ लाइक मास्क होता है। A mask that represents both her duplicity and her almost superhuman efforts at repression. और ये जो mask होता है, ये actually इस mask theme, mask की theme के ऊपर भी बहुत ज़्यादा question आता है कि what is the significance of mask in Mourning Becomes Electra. तो अब ये mask जो है वो represent करता है उसकी duplicity को, उसके दोहरेपन को भी, और उसकी एक superhuman effort जो वो अपने जो उसकी अपनी फीलिंग्स होती हैं उसको वो रिप्रेस करने की कोशिश करती है। इंसान अपनी फीलिंग्स एक हद तक रिप्रेस कर सकता है, उसके बाद उसकी बस हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे उसकी सुपर ह्यूमन एफर्ट्स यहाँ पे कहा जा रहा है, जो वो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करने की कोशिश करती है। हैविंग लॉन्ग अबॉर्ड हर हस्बैंड एज़रा क्रिस्टाइन हैविंग लॉन्ग अबॉर्ड हर हस्बैंड एज़रा, और बहुत अरसे तक एज़रा जो है वो उससे दूर रहता है। क्रिस्टाइन प्लॉट्स हिज मर्डर विद हर लवर ब्रैंड। क्रिस्टाइन जो है वो प्लॉट करती है, वो इरादा करती है, वो प्लान करती है कि वो अपने लवर ब्रैंड के साथ मिलके
अपने शोहर का जो कि बहुत अरसे बाद घर वापस आ रहा है, तो उसके रिटर्न के साथ ही जो कि सिविल वॉर से वापस आ रहा है तो वो उसको कत्ल कर देगी. This time plots his murder with her lover Brent upon his return from civil war. Next slide pe aa jaiyega. Orin Menon, the Menon's son, returned from war. Orin Menon jo hai, Menon ka son, wo wapas aata hai. Orin bears a striking resemblance to his father. Apne father se wo bahut uski resemblance hoti hai and Captain Brent. Aur uski Captain Brent se bhi bahut zyada resemblance hoti hai. Though he appears as weakened, कैप्टन ब्रेंट वही होता है जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर, क्रिस्टाइन मैनन का अफेयर होता है. दो ही अपीयर्स एज वीकेंड रिफाइंड एंड ओवर सेंसिटिव वर्जन ऑफ ईच, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा वीकेंड रिफाइंड और ओवर सेंसिटिव वर्जन लगता है दोनों का ही, यानी कि कैप्टन ब्रांट का भी और अपने बाप का भी, दोनों से ही शक्ल मिलती है. एक्चुअली कैप्टन ब्रांट जो है वो खुद भी तो उसके बाप का जिसे कहना चाहिए वो उनकी फैमिली से ही होता है, भतीजा ही होता है उसका. एंड ओवर सेंसिटिव वर्जन ऑफ ईच, ही पोजेसेस अ बॉयश चार्म दैट इनवाइट्स द मैटरनल फेवर्स ऑफ वुमन, और वो जो है पोजेस करता है एक बॉयश चार्म जो कि इनवाइट करता है मैटरनल फेवर्स ऑफ वुमन को. ही लव्स हिज मदर इन मदर इनसेस्ट्रसली, बहुत शदीद वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है. फ्लाइंग इनटू अ जेलस रेज अपॉन द डिस्कवरी ऑफ हर लव अफेयर दैट लीड्स टू क्रिस्टाइन एंड ब्रांट डेथ, और वो अपनी माँ से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ का अफेयर है ब्रांट के साथ, तो फाइनली जो है वो इरादा करता है कि वो ब्रांट को कत्ल कर देगा. जब वो ब्रांट को कत्ल कर देता है तो क्रिस्टाइन भी अपने आप को मार लेती है. Orin will then force he and his sister to judgment for their crimes in an attempt to rejoin his mother in death. Orin jo hai then will then force him and his sister. Orin ki jo will hoti hai wo usko force karti hai ki ab wo apni mother ko uski death mein rejoin kare, yani ki Orin jo hai wo phir suicide kar leta, wo ye cheez bardasht nahi kar pata. उसकी जो बहन होती है वो उसके अंदर अपनी माँ ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की अपनी माँ से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है. लेकिन जब मैंने बताया ना प्यूरिटन जो प्यूरिटनिज्म है उसके बैकग्राउंड में, तो एक्चुअली ये जितने भी घर के लोग होते हैं ना ये फीलिंगलेस लोग होते हैं, और इन इन केस मास का क्यों बताया गया है इसके अंदर कि फीलिंगलेस नहीं होते लेकिन अपनी फीलिंग्स रिप्रेस करते हैं. लाइक अगर उसके भाई को जरूरत थी बहन की कि भाई माँ मर गई, बाप मर गया, बहन के अंदर वो माँ ढूंढ रहा था, लेकिन बहन जो है उसको कोई सिंपथी शो नहीं करती, उसको कंसोल नहीं करती. इसी तरह जो एज्रा मैनन था उसकी बीवी अगर सोलेस ढूंढती अपने शोहर के अंदर, तो वो जो है क्योंकि वो प्यूरिटन था, लव तो उनकी फैमिली में था ही नहीं, सेंटिमेंट्स तो ये शो करना पसंद ही नहीं करते थे. Although इनके sentiments थे, ऐसी बात नहीं है. That's why यहाँ पे mask की बात आती है कि बाहर से तो ये लोग बहुत सख्त नजर आते थे लेकिन अंदर से इन्होंने अपनी feelings को repress करके रखा हुआ था. That is the case जो आपको इसके पूरे drama के अंदर नजर आएगा. और बेटा ये पूरा drama, sorry novel, drama जो है that is a tragedy और symbolic है. Mostly students को पता नहीं चलता कि ड्रामे की अलिफ बे क्या है. बेटा ड्रामे की अलिफ बे समझने के लिए ना पहले उसका बैकग्राउंड, उसकी थीम्स, उसकी एक 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 चीज समझ लें कि भाई किस बेस के ऊपर लिखा गया, ठीक है, और क्यों मास की बात आ रही है, क्यों यहाँ पे प्यूरिटनिज्म की बात आ रही है, क्यों यहाँ पे ईडिपल एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिखाया जा रहा है, व्हाई, ठीक है, फिर तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी. और ये क्योंकि फ्रूट जो है, सॉरी, वो एक बहुत बड़ा उसने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी थी साइको एनालिसिस के ऊपर, तो वो बेसिकली पेनिट्रेट करता है इंसान के माइंड में, वो इंसान का अंदर दिखाता है कि बाहर से इंसान जो है उन्होंने मास्क पहने होते हैं, उस मास्क के बाहर का इंसान और उस मास्क के अंदर के इंसान में बहुत फर्क है. तो यहाँ पे वो सारी चीजें दिखाई होती है. नेक्स्ट है ब्रिगेडियर जनरल एज्रा मैनन. ब्रिगेडियर जनरल एज्रा मैनन जो कि घर का सरबरा, द ग्रेट यूनियन जनरल एज्रा इज अ स्पेयर बिग बॉन्ड मैन ऑफ एग्जैक्ट एंड वुडन मोमेंट्स, ठीक है. ग्रेट यूनियन जनरल
Ezra Menon जो है वो एक स्पीयर मजबूत इंसान था ऑफ एग्जैक्ट एंड वुडन मोमेंट्स, जिसकी एग्जैक्ट और वुडन मोमेंट्स थी, सख्त दिल इंसान था. His mannerism suggests a statue-like poses of military heroes. और उसके mannerism जो हैं, वो suggest करते थे कि like the statue जैसे उनकी military heroes होते हैं. बेटा ये जो जितने भी होते हैं ना soldiers होते हैं specially या ये army, navy या इस तरह, इनकी actually कुछ इस तरह की training होती है कि इनको पहले family से दूर ले जाते. और आपको पता है फिर वो एकेडमी में इनकी काफी सख्त ट्रेनिंग होती है और वहां पे जाके काफी इनको सख्ती में रखा जाता है, जिसकी वजह से जब इंसान बहुत ज्यादा सख्ती में रहता है ना तो उसके दिल भी सख्त हो जाते हैं. तो फिर इन लोगों को फैमिलीज की आदत नहीं रहती. फिर ये लोग जब वापस आते हैं ना तो ये अपनी फैमिलीज के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है, इसी तरीके से एक ऐसा इंसान आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो दुबई में कमा रहे होते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो आते ही उनकी डेथ हो जाती है और उनकी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती. औरत को सारी उम्र आदत पड़ी हुई होती है कि मैं अकेले ही बच्चे पाल रही हूँ, आई एम द ओनली वन इन द होल. तो फाइनली वो जब कमा के रिटायर होके घर वापस आते हैं तो नॉर्मली मतलब मैंने यही चीज जज की है, मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ. मैं ये नहीं कहती कि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज दैट मैंने देखा है कि तकरीबन 30-35% लोगों की डेथ हो जाती है. और द थिंग इज दैट कि वो जब वहां से वापस आते हैं ना तो कुछ वो वहां पे फैमिली में आके एडजस्ट नहीं कर पाते या उनके दिल में पता नहीं ऐसा क्या होता है. बेटे को बाप की आदत नहीं रहती, बेटी को बाप की आदत नहीं रहती, बीवी को शोहर की आदत नहीं रहती और इसी तरीके से घर वाले भी फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं लाइक दैट ही इज जस्ट लाइक एन आउटसाइडर, कि जिसका काम था सिर्फ पैसे भेजना और अब उसका रोल खत्म हो गया शायद इस घर के अंदर. तो नॉर्मली मैंने देखा है ऐसे लोग जब वापस आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो जाते, वो नहीं अपनी फैमिलीज में वापस आके सरवाइव कर पाते. तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है. इसी तरीके से मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए हैं, जो मिलिट्री भी होते हैं और जो नॉन मिलिट्री भी होते हैं. हिज ब्रस्क एंड अथॉरिटेटिव वॉइस हैज अ होलो एंड रिप्रेस्ड क्वालिटी. एज हिज नियर होमोफोनिक नेम सजेस्ट ही इज Agamemnon's counterpart. वो Agamemnon का ही counterpart था. The general returned from war to be murdered by his wife. अब ये general वापस आ रहा था जो कि उसको उसकी बीवी ने इरादा किया हुआ है और उसके lover ने इरादा किया कि वो उसको कत्ल कर देंगे. He continued to exert his influence in symbolic form. और वो कोशिश करता है कि वो अपना influence कायम कर लें in symbolic form. His various images and his portrait in particular call his family to judgment from beyond the grave. और उसकी various images और उसकी portrait जो particular होती है वो उसकी call his family to judgment from beyond the grave, कि वो अपनी family को call करता है कि वो कुछ judgment करें beyond the grave. उसके बाद है Captain Adam Brandt. A powerful romantic sea captain, Brandt has a swarthy complexion, sensual mouth and a long coal black hair. He also, of course, bears a striking resemblance to other men and men sharing their same mask-like faces. वो बहुत ज़्यादा resemblance थी उसकी Menon family से. The child of illegitimate Menon line, he returns to wreak the vengeance on Ezra household. ये जो है illegitimate Menon line का बच्चा था और वो वापस आता है बदला लेने के लिए on Ezra's household. कि वो Ezra household से बदला ले ले. क्यों? क्योंकि वो ये समझता था कि मेरी सारे बाप की जितनी भी जायदाद है वो इन्होंने स्टील कर ली है. He steals Ezra's wife, तो इसलिए वो इरादा करता है कि अब वो जो है इस पूरी खानदान को तबाह कर लेगा, क्योंकि उसको ये लगता है क्योंकि इसकी जब माँ आती है ना कैप्टन एडम ब्रांड की वापस आती है Ezra के पास या दादा के पास कि मतलब मेरा बाप नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, हम बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, तो वो उसको वापस भेजते, जिसकी वजह से कैप्टन एडम ब्रांड जो है उसके दिल में एक नफरत बैठ जाती है और वो जब जवान होता है तो वो इस फैमिली से बदला लेने वापस आता है. He steals Ezra's wife, a woman he imagines in the image of his mother. और वो जो है Ezra वो कहता है कि इन्होंने मेरी माँ छीनी है, मैं इनसे भी इनकी माँ छीन लूंगा. ठीक है, तो इस वजह से वो जो है क्या करता है, वो Ezra की वाइफ के साथ जो है अपना अफेयर चलाता है
और वो इमेजिन करता है इन द इमेज ऑफ हिज मदर, उसकी अपनी ही मदर का इमेज उसके अंदर, दैट्स व्हाई वो उसको उसके साथ इसका फेयर होता है. एंड सेड्यूस लेविनिया टू कंसील देयर अफेयर, और वो लेविनिया को सेड्यूस करता है ताकि वो उनके अफेयर को किसी को ना बताए, छुपा ले. Hazel's niece, a long life, a long time friend of men and children. Hazel is a pretty, healthy, dark-haired girl of 19. O'Neill describes her character as frank, innocent, amiable, and good. The functions as Orin's would be sweetheart, and both of Christine and Lavinia attempt to pass Orin off onto her so they can flee with their suitor. Hazel also helplessly attempts to rescue Orin from his fate. हेजल और ओरिन जो है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये इनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं. कैप्टन पीटर नील्स, एन आर्टिलरी कैप्टन फॉर द यूनियन. कैप्टन पीटर नील्स और इससे पहले जो हमने हेजल नील की बात की, ये दोनों आपस में बहन भाई होते हैं, इनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं. हेजल नील जो है वो ओरिन को पसंद करती होती है, यानी कि ओरिन और हेजल नील जो होते हैं वो सूटर्स होते हैं. और दूसरी तरफ जो है कैप्टन पीटर नील जो है वो लेविनिया से शादी करना चाहता है. एंड आर्टिलरी कैप्टन फॉर द यूनियन, ही पीटर रिजेंबल्स हिज सिस्टर इन कैरेक्टर, अपनी सिस्टर से बहुत कैरेक्टर में वो रिजेंबल करता है. ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाइलेस एंड गुड नेचर्स, फेलिंग टू एप्रीहेंड द मैकिनेशंस ऑफ अफुट इन मैन एंड हाउस अंटिल द वेरी एंड ऑफ द ट्रायलॉजी. The function as the suitor, Lavinia first rejection later takes up as a substitute for Captain Grant. Or wo, sorry, he functions as the suitor of Lavinia. Lavinia ka wo suitor hota hai, jisko Lavinia pehle to reject kar deti hai, lekin baad mein wo as substitute for Captain Grant, kyunki wo Captain Grant ko Lavinia pasand karti hoti hai, Captain Grant ki death ho jati hai, to phir wo kehti hai, chalo ab main Peter Neal se shaadi kar lu. Uske baad hai Seth Beckwith. The Menon's aged gardener, Seth, is stooped, shouldered, and raw boned, but still stronger. Like his employer, his gaunt face gives the impression of a lifelike mask. In his time, फिर आगे मैं lifelike mask की बात, ये जरा ज़हन में रखिएगा, ये question हमने करना है, कि impressions of a lifelike mask, क्योंकि ये term बेटा सिर्फ इसी drama के अंदर use हुई है, बाकी आपके किसी book के अंदर ये mask की बात नहीं होनी. लेकिन इस किताब के अंदर है, तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि बेटा ये जरा ज़हन में रखिएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मास्क इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. इन हिज टाइम विद द मेनन्स ही हैज लर्न्ड मोस्ट ऑफ द फैमिली सीक्रेट्स, और अपने ही वक्तों में मेनन्स के साथ वो लर्न करता है मोस्ट ऑफ द फैमिली सीक्रेट्स, फैमिली के सारे सीक्रेट्स उसको पता होते हैं. एंड कोल्यूडेड इन कीपिंग देम, और वो जो है कोल्यूड करता है इन कीपिंग देम, यानी कि उनको राजों को राज रखता है. A watchman figure of sort, he is repeatedly seen wandering the grounds and singing the sea chanty shenandoah. ठीक है, और वो watchman figure होता है, repeatedly देखा जाता है उसको wandering the grounds, घूम रहा है, and the singing the sea chanty shenandoah, और वो समंदरी गाने गाता रहता है. उसके बाद ये minor characters आ गए हैं. Amos Ames, a fat carpenter in his 50s. Amos is typical and relatively benign town gossip monger. उसके बाद है Lozia Ames, Ames' wife. Lozia is similarly a gossip though much more maliciously. अच्छा क्या होता है major characters के साथ minor characters भी. आपको पता है जब affair किसी का होता है तो इर्द गिर्द के गली मोहल्ले में बातें तो होती हैं. लोग जो देखते हैं वो अजीब अजीब बातें करते हैं. अब ये दोनों जो है वो इसी तरह के गॉसिपर थे. उसके बाद है मिनी, लाउजर्स मीक मिडल एज कजन्स एंड मोस्ट ईगर लिसनर. बहुत बड़ी मतलब लिसनर थी, तजस्सुस बहुत ज्यादा था कि वही गली मोहल्ले की आंटी जिनको हर किसी के घर के राज लेने में बहुत इंटरेस्ट होता है, उस टाइप की थी. उसके बाद है जॉर्जिया बॉर्डन, अ स्मॉल वाइडन मैन ऑफ 60. Borden is the shrewd manager of the Menon Shipping Company. Borden जो है वो बहुत shrewd चलाक manager था of Menon Shipping Company का. Next, Emma Borden, Josiah's wife. Emma is a typical New England woman of pure English ancestry with a horse face, bucket teeth, big teeth. Her manner is defensively sharp and assertive. उसके बाद है Everett Hills, the welfare minister of a prosperous small town, snobbish,
unctuous and ingratiating in his demeanor. Mrs. Hills, a self lady and self-effacing minister's wife, her Dr. Joseph Lake, the man is kindly family physician, stout, selfish, self-important and stubbornly opinionated. अच्छा ये जितने भी बेटा है ना minor character, इनका कोई खास रोल नहीं है, इसलिए इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सारे हैं. हम सीधा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आते हैं बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट नाउ. कॉन्टेक्स्ट पे आ जाइएगा. स्लाइड नंबर 15. यूजीन ओनील 1888 to 1953 वॉज द सन ऑफ एन एक्टर हुज वर्क मीन दैट फैमिली लेड अ डिफिकल्ट लाइफ ऑन द रोड. O'Neill would later deeply resent his insecure childhood, finding the family's many problems, including his mother drug addiction on his father. अब यहाँ पे देखें, context में देखते हैं यूजीन की biography की क्यों लिखा था. Son of an actor था, और whose work mean that family led a difficult life on the road. और ऐसा लगता था उसके हमें जितने भी उसने work लिखे हैं art form में poetry drama, उसके अंदर हम यही देखते हैं कि जैसे उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है ऑन द रोड. O'Neill would later deeply resent his insecure childhood, और बाद में उसने डीपली रिसेंट किया अपनी इनसिक्योर चाइल्डहुड को, फाइंडिंग द फैमिलीज मैनी प्रॉब्लम्स, और उसने दिखाया उसके अंदर फैमिली के मैनी प्रॉब्लम्स को, इंक्लूडिंग हिज मदर्स ड्रग एडिक्शन, जिसमें उसकी माँ भी ड्रग एडिक्शन हो गई थी ऑन हिज फादर. एजुकेटेड at boarding schools, O'Neill's gate admission to Princeton University, but left after only 1 year to go to sea. He spent his early 20s living on the docks of Buenos Aires. ठीक है, उसने docks of Buenos Aires के ऊपर ज़्यादा वक्त गुज़ारा, यानी कि समंदर में, Liverpool and New York, sinking into an alcoholism. ये खुद भी शराबी हो गया था. That brought him to the point of suicide, जो कि उसको point of suicide तक लेके आया. Slowly, O'Neill recovered from his addiction and took a job writing for a newspaper. A bout of tuberculosis left him incapacitated, and he was consigned to a sanitarium for 6 months while in recovery. O'Neill decided to become a playwright. Plot overview, देख लेते हैं हम कि इसका क्या है. अच्छा, प्लॉट ओवरव्यू में बेटा ये इसको ड्रामा को कहा जाता है, ये ट्रायलॉजी है. ट्रायलॉजी का मतलब ये है कि ड्रामा को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया. ठीक है, ट्रायलॉजी है एक्चुअली ये. ठीक है, ट्रेजेडी है लेकिन बट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायलॉजी, जिसके 3 सेक्शंस हैं. नंबर 1 इसका होम कमिंग है, देन जो है इसका जो है लास्ट जो है वो गोस्ट है, और जो दरमियान वाला जो सेक्शन है वो उसका है आई थिंक डिफरेंट सा ही नेम था कुछ. तो बहरहाल हम देखते हैं द होम कमिंग फर्स्ट है देखते हैं, यानी कि वतन, होम कमिंग सॉरी, उसके बाद द हॉन्टेड एंड द हॉन्टेड. ठीक है, द हॉन्टेड एंड द हॉन्टेड. ठीक है, दोनों में ही हॉन्टेड लिखा हुआ, हॉन्टेड नहीं है. सेकंड जो है वो कुछ इसी तरह का था कुछ, आई थिंक फर्स्ट द हॉन्टेड एंड गोस्ट करके कुछ इस तरह से था. देख लेते हैं, बहरहाल जहन से निकल गया मेरे अभी. अच्छा, ओजीन ओनील देखते हैं, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो उसने लिखा है. यहाँ पे देखें, ये लेविनिया का कैरेक्टर है, ये लेविनिया की माँ है सामने, और लेविनिया ने अपने बाप को संभाला हुआ, यानी कि बाप को उसकी माँ ने जहर दे दिया है, और लेविनिया अपनी माँ की तरफ देख रही है कि, और बाप उसकी तरफ इशारा करते हुए मर जाता है कि इसने मुझे मारा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे. इट इज लेट स्प्रिंग आफ्टरनून इन फ्रंट ऑफ मेनन हाउस. द मास्टर ऑफ द हाउस ब्रिगेडियर गार्डनर एज्रा मेनन इज सून टू रिटर्न फ्रॉम वॉर. लेविनिया एज्रास स्वीयर डॉटर हैज जस्ट कम लाइक हर मदर क्रिस्टाइन फ्रॉम अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क. सी द गार्डनर टेक्स द एंग्विश गर्ल असाइड. लेविनिया जो है एज्रा की स्वीयर डॉटर जो है वो आती है लाइक हर मदर क्रिस्टाइन फ्रॉम अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क, और सी जो गार्डनर है वो टेक्स द एंग्विश गर्ल असाइड, और वो जो एंग्विश गर्ल होती है उसको एक साइड पे ले जाता है. ही नीड्स टू वार्न हर अगेंस्ट हर वुड बी ब्यू कैप्टन ब्रांड, और वो उसको वार्न करता है उसके वुड बी ब्यू यानी कि कैप्टन ब्रांड के खिलाफ उसको अवेयर करता है. बिफोर सीट कैन कंटिन्यू हैवर लेविनिया सूटर पीटर एंड हिज सिस्टर हैज़ अराइव्ड.
इससे पहले कि सीत कुछ बात करता है, लेविनिया का सूटर पीटर और उसकी सिस्टर हेजल जो है अंदर आ जाते हैं। लेविनिया स्टिफन्स, लेविनिया एकदम चुप हो जाती है। इफ पीटर इज प्रपोजिंग टू हर अगेन, ही मस्ट रियलाइज दैट शी कैन नॉट मैरी एनीवन बिकॉज फादर नीड्स हर। और अगर पीटर, अब वो इसलिए स्टिफन हो जाती है कि अगर पीटर उसको दोबारा से प्रपोज करता है तो ही मस्ट रियलाइज, तो उसको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसके बाप को उसकी जरूरत है, यानी कि लेविनिया के बाप को उसकी जरूरत है, अपने बाप की खातिर वो किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेविनिया आस्क्स सीट टू रिज्यूम हिज स्टोरी। लेविनिया सीट को कहती है कि वो अपनी स्टोरी पूरी सुनाए। सीट आस्क्स इफ शी हैज नॉट नोटिस दैट ब्रांट लुक्स जस्ट लाइक हर ऑल द अदर मेल मैनन, कि ब्रांट जो है वो बाकी मैनन फैमिली की तरह लगता है। He believes that Brandt is the child of David Menon and Mary Branton. और उसको ये लगता है क्योंकि वो बूढ़ा होता है, सीथ उसको कहता है कि ये जो ब्रांट है ना, ये ही वो चाइल्ड है ऑफ डेविड मैनन का। देखो इसकी कितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है, और ये जो है डेविड मैनन और मैरी ब्रांटन का जो है चाइल्ड है। अ कैनिक नर्स थी। A couple expelled from the house for fear of public disgrace, जिनको इस घर से निकाल दिया गया था, इस मैनन हाउस से निकाल दिया गया था for the fear of public disgrace, यानी कि उन दोनों ने छुपके शादी की थी और जो है इनको इस घर से निकाल दिया गया था। Suddenly Brandt himself enters from the drive, और अचानक से Brandt जो है वो जो है enter from the drive, वो अचानक से एंटर हो जाता है। calculatingly Lavinia derides the memory of Brandt's mother. Brandt explodes and reveals his heritage. Brandt जो है एकदम से फट जाता है और वो अपनी हेरिटेज रिवील कर देता है। Lavinia's grandfather loved his mother, के Lavinia का जो grandfather था वो उसकी माँ से मोहब्बत करता था। and jealousy cast his brother out of the family, और ये jealousy जो है वो जो है उसके उसने उस ब्रदर को इस फैमिली से बाहर निकाल दिया। ब्रांट हैज सॉन वेंजीज, और ब्रांट जो है वो अब इस खानदान से जो है बदला लेना चाहता है। होता ये है कि लेविनिया का जो ग्रैंडफादर होता है वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, उसका नाम होता है मैरी ब्रांटन। लेकिन मैरी ब्रांटन जो है उसी की शादी उसके दूसरे भाई यानी कि डेविड मैनन और मैरी ब्रांटन का आपस में अफेयर चलता है, वो दोनों एक दूसरे से शादी कर देते हैं, वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज करके और उन दोनों को घर से निकाल देता है। अब जो है ब्रांट उसको बताता है कि भाई ये जो जायदाद जिसके ऊपर तुम बैठी हुई हो, जिस घर में तुम लोग रहते हो, ये मेरा है और मैं जो हूँ अपनी माँ का बदला तुम लोगों से लूंगा, क्योंकि मेरी माँ तुम लोगों की वजह से मर चुकी है, तुम्हारे ग्रैंड फादर की वजह से वो मरी है, तो वो इस फैमिली से बदला लेना चाहता है। A moment later, Lavinia appears inside her father's study. थोड़ी देर बाद वो अपने फादर की स्टडी में नजर आती। Christine enters indignantly, wondering why Lavinia has summoned her. और Christine जो है वो indignantly enter होती है कि क्यों जो है Lavinia जो है वो यहाँ पे आई है। Lavinia reveals that she followed her to New York and saw her kissing Brandt. और लेविनिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क तक मैंने तुम्हें फॉलो किया है और मुझे पता चल गया कि तुम्हारे और ब्रांट के आपस में ताल्लुकात हैं। क्रिस्टाइन डिफाइंटली टेल्स लेविनिया दैट शी हैज लॉन्ग हेटेड एज़रा एंड दैट लेविनिया वाज बॉर्न ऑफ हर डिस्गस्ट। क्रिस्टाइन जो है डिफाइंटली लेविनिया को बताती है कि वो जो है एज़रा से यानी कि अपने शोहर से और लेविनिया के बाप से बहुत ज्यादा नफरत करती है। And that Lavinia was born of her disgust. और Lavinia जो है वो उसकी disgust का बायस है। She loves her brother Oren because he always seems hers alone. और वो अपने जो brother है उससे बहुत ज़्यादा उसके brother से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है because he always seems hers alone, क्योंकि वो उसका जो बेटा है वही उसके जैसा लगता है, यानी कि उसकी side लेता है, तो इस वजह से वो जो माँ है लेविनिया वो अपने बेटे से या लेविनिया के भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। वो उसको कहती है कि देखो तुम मेरे लिए डिस्गस्ट का बायस हो और तुम्हारा जो भाई है वो जो है वो सिर्फ मेरे लिए सॉलस का बायस है। लेविनिया कोल्डली एक्सप्लेन दैट शी इंटेंड्स टू कीप हर मदर सीक्रेट फॉर एज़रा सेक, और लेविनिया उसको कोल्डली एक्सप्लेन करती है कि वो जो है अपने बाप की खातिर एज़रा की खातिर जो है अपनी माँ का सीक्रेट ही रखेगी।
क्रिस्टाइन मस्ट ओनली प्रॉमिस टू नेवर सी ब्रेंट अगेन, और क्रिस्टाइन भी उसको कहती है अपनी बेटी को कि वो आइंदा कभी ब्रेंट को नहीं देखेंगी. Laughingly, Christine accuses her daughter of wanting Brent herself. और ये जो Christine होती है वो accuse करती है अपनी daughter को कि वो खुद शायद Brent से शादी करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है. Lavinia has always schemed to steal her place. और उसको ये लगता है, उसकी माँ को ये लगता है कि Lavinia जो है हमेशा उसकी जो प्लेस है उसको छीनना चाहती है. यानी कि ये माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम हमेशा से मेरी जगह छीनना चाहती थी जब मतलब यानी कि तुम हमेशा मेरे और मेरे शोहर के बीच में आई हो और अब तुम मेरे और ब्रेंट के बीच में आ गई हो. क्रिस्टाइन एग्रीज टू Lavinia's टर्म्स, और क्रिस्टाइन जो है वो Lavinia की तमाम टर्म्स मान जाती है. लेटर शी प्रपोजेस टू ब्रेंट दैट दे पॉइजन एज़रा, और बाद में उसकी माँ जो है यानी कि Lavinia की माँ क्रिस्टाइन जो है वो जो है शी प्रपोजेस टू ब्रेंट दैट दे पॉइजन एज़रा कि वो अब एज़रा को जहर देंगे एंड एट्रीब्यूट हिज डेथ टू हिज हार्ट ट्रबल, और वो जो है ये एट्रीब्यूट करेंगे कि शायद उसकी डेथ उसकी हार्ट ट्रबल की वजह से हुई है. One week later, Lavinia stands stiffly at the top of the front stair with Christine. Suddenly, Ezra enters and stops stiffly before his house. Lavinia rushes forward and embraces him. Once she and Ezra alone, Christine assures her that he has nothing to suspect with regards to Brent. Ezra impulsively kisses her hand. The war has made him realize that they must overcome the wall between them. इस वॉर ने उसको ये रियलाइज करवा दिया था कि ये जो वो इतना अरसा बाहर आ उन दोनों के दरमियान एक वॉल आ चुकी है. यानी कि अब एज़रा को एहसास हो जाता है कि उसने क्रिस्टाइन को अपनी बीवी को सही टाइम नहीं दिया. कैलकुलेटिंग क्रिस्टाइन एश्योर्स हिम दैट ऑल इज वेल दे कैस, और फिर जो है क्रिस्टाइन उसको कहती है कि नहीं अब सब ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है. यानी कि जब वो उसको कहता है कि मतलब हम दोनों बहुत दूर रहे हैं तो वो उसको जो है कहती है कि नहीं सब ठीक है, यानी कि दरगुजर कर देती है. टुवर्ड डे ब्रेक इन एज़रास बेडरूम, क्रिस्टाइन स्लिप्स आउट फ्रॉम द बेड, और डे ब्रेक में एज़रा के बेडरूम में क्रिस्टाइन जो है वो जो है बिस्तर से उठती है. मैनस बिटरली रिब्यूक्स हर, ही नोज द हाउस इज नॉट हिज एंड द क्रिस्टाइन अवेट्स हिज डेथ टू बी फ्री. मैनन जो है बिटरली उसको रिब्यूक करता है जब वो उसको अपने बिस्तर पे नहीं देखता, और वो कहता है कि अब ये घर उसका नहीं है, और क्रिस्टाइन जो है अब उसकी मौत के इंतजार में. क्रिस्टाइन डेलिबरेटली टॉन्ट्स दैट शी हैज इंडीड बिकम ब्रेंट मिस्ट्रेस, और क्रिस्टाइन डेलिबरेटली ये टॉन्ट करती है कि हाँ वो अब ब्रेंट की मिस्ट्रेस बन चुकी है. मैनन राइजेस इन फ्यूरी एंड थ्रेटनिंग हर मर्डर एंड देन फॉल्स बैक इन एग्नी बेगिंग फॉर हिज मेडिसिन. मैनन जो है एकदम से गुस्से में उठता है कि थ्रेटनिंग हर मर्डर कि वो उसको किल कर देगा, और बाद में वो एग्नी में पीछे गिरता है बेगिंग फॉर हिज मेडिसिन, अपनी मेडिसिन मांगता है. क्रिस्टाइन रिट्रीव्स अ बॉक्स फ्रॉम हर रूम एंड गिव्स हिम द पॉइजन, और क्रिस्टाइन जो है वो एक बॉक्स लेके आती है अपने रूम से और उसको गोली की जगह मेडिसिन की जगह जहर दे देती है. मैनन रियलाइजेज हर ट्रेचरी एंड कॉल्स Lavinia फॉर हेल्प. Lavinia रशेस टू हर फादर विद हिज डाइंग एफर्ट. Ezra indicts his wife. Ezra अपनी बीवी की तरफ इशारा करता है. She is guilty, not Madison. कि ये कसूरवार है, Madison कसूरवार नहीं है. He gasps and then dies. वो एक सांस लेता है और मर जाता है. Her strength gone and Kristen collapses in pain. वो जो है उसकी तमाम strength जो है वो खत्म हो जाती है और Kristen जो है वो faint में आ जाती है. अच्छा बेटा यहाँ तक आई थिंक इतना काफी है. नेक्स्ट है द हॉन्टेड, और उसके बाद नेक्स्ट ये मुझे ये